फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर, पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, नाम क्या जिसका? जेनेली सोल ट्रेडर है। एडिंग डाल देते हैं पहले तो। जी नहीं कौन सी वाली करते नहीं हैं? अच्छा, सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें? सेल्स। सेल्स कितनी है यहाँ पे? फाइव लगा बंद कर गया। सेल्स कितनी है? पहले सेल्स 5 लाख 80,000। सही सेल्स लिख लेते हैं 5 लाख 80,000। अच्छा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है ना, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट्स जाए पैर में लगी हुई। अच्छा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होती है, तो सेल्स रिटर्न है बैलेंस में नहीं है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न नहीं है तो अब क्या करेंगे इसके बाद? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ये दिया हुआ है यहाँ पे 5 लाख 18,000। सही तो है। 1 लाख 18,000, 1 लाख 17,000 ओपनिंग स्टॉक है। इसके बाद परचेजेस ऐड करेंगे। परचेजेस कितनी है? 459,000 परचेजेस लिखते हैं दोनों को ऐड के। इसमें इसके बाद कैरेज इनवर्ट और परचेज रिटर्न ना, तो कैरेज नहीं दिया हुआ, परचेज रिटर्न भी नहीं है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएंगे हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। ठीक, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अभी नीचे से दिया है कुछ पॉइंट सही एडजस्टमेंट्स के, और इसमें आपको ये दिया हुआ यार। पॉइंट नंबर 4 में क्लोजिंग स्टॉक है 1,35,000। क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,41,000। ठीक है, आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,39,000। अच्छा, गुड्स के बाद नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंस माइनस होते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस से पहले इसमें हम अदर इनकम्स ऐड करते हैं। वाई वन में नहीं था। देखिए, अब ये ट्रेडिंग बिजनेस है तो मेन सोर्स आपकी क्या हो गई? सोर्स ऑफ इनकम आपकी सेल्स है ना, मेन आपकी इनकम हो गई सेल। आपको साइड इनकम भी तो हो सकती है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ठीक, तो ये जो अदर इनकम होंगी वो पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस लेस। अच्छा, तो इसमें देखिए कोई अदर इनकम है, इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, इस तरह की कोई इनकम नहीं, कोई अदर इनकम नहीं है। लेकिन यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मेट के लिए ताकि आपको याद रहे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स ऐड होंगी, उसके बाद एक्सपेंस माइनस। फिलहाल अदर इनकम कोई नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा ताकि कंप्लीट फॉर्मेट आपके पास। डिस्काउंट रिसीव, वो डिस्काउंट अलाउड का बन, उसका चेंज रिसीव का नहीं, अलाउड का, उसको हम सेल्स में एडजस्ट करते हैं ना, सेल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, वो डिस्काउंट अलाउड का रिसीव का वही है जो F1 में लिखवाया था कैश बुक के टाइम, वो डिस्काउंट अलाउड का। इनके अलावा कौन सी अदर इनकम? बस यही होती है और क्या? डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट हो गया,
रेंट रिसीव हो सकता है, इसके अलावा रेंट रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद फिर हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, यहां तक पहले कॉपी कर लें फिर इसको कंप्लीट कर। तो क्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, हेडिंग आ जाएगी पहले लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, सैलरीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, लोकल टैक्स, बैंक चार्ज। अच्छा, अब इसमें हमें एक चीज का और ख्याल रखना है, कंटिन्यू करना है ना। हाँ देखिए, कुछ इसमें एडजस्टमेंट दिए ना, एडजस्टमेंट द नीड्स टू बी मेड फॉर अकाउंट, इसको भी हमें देखना है। इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, इन्वेंट्री, ठीक है, क्या है लास्ट पॉइंट नंबर 5 में एक्रूवल्स की बात कर रहे हैं। अभी आपके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एक्रूड है, तब हमें ये एक्रूवल्स और प्री पेमेंट इसको भी एडजस्ट करना होगा। यहाँ देखिए पहले सैलरी एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस में 81,900। अच्छा, यहाँ कोई इसकी एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी की, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, कॉपी कर लेंगे। के बाद सैलरीज एक्सपेंस के बाद है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,350। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में वो बता रहा है आपको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपके एक्रूड है ना 550। अब इसका आपके एक्सपेंसिस पे क्या इफेक्ट आएगा, एक्रूवल्स का एक्सपेंसेस पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएंगे ना। इसकी एंट्री क्या होती है एक्रूवल्स की, एक्सपेंस डेबिट, एक्रूवल्स क्रेडिट। तो एक्सपेंस डेबिट मींस इंक्रीज। अभी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है हमारे 10,350 के, और इसमें ये एक्रूड एक्सपेंस 540 ऐड हो जाएंगे, तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 10,890। एडवर्टाइजिंग के बाद नेक्स्ट है लोकल टैक्स। यहाँ देखिए लोकल टैक्सेस फॉर 15 मार्च 31 मार्च नेक्स्ट 6,750, ठीक है, ये एक ऊपर देखो ये और एक ऊपर तो बड़ा भाई। अच्छा, ये टैक्स आपने पे किए फॉर 15 मार्च to 31 मार्च, ईयर एंड कब हो रहा है इसका, ईयर एंड था 31 दिसंबर ना, और टैक्स हमने पे किया है मार्च तक के, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स की प्रीपेड हो गए, प्रीपेड हो गए। अब 3 मंथ्स के प्रीपेड एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं पहले तो कितने बनेंगे। अच्छा, उसका इफेक्ट आएगा क्या, इसमें प्रीपेमेंट्स का एक्सपेंसेस में क्या इफेक्ट होता है, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। हाँ देखिए, प्री पेमेंट की एंट्री क्या होती है, प्री पेमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, तो एक्सपेंस क्रेडिट मींस डिक्रीज, ठीक है, और प्री पेमेंट से आपके एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं। तो अब वो प्रीपेड कैलकुलेट करें कितना बन रहा है 1,350। कैलकुलेशन क्या होगी, मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से और डिवाइड 12 से नहीं करेंगे, 15 से। ये कितने मंथ्स की पेमेंट है, 15 मंथ्स, तो डिवाइड करेंगे 15 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 मंथ्स के प्रीपेड आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब प्री पेमेंट इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास करंट ईयर के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। लोकल टैक्स पे किए हमने 6,750, 3 मंथ्स के प्रीपेड थे वो लेस कर दिए, तो करंट ईयर के एक्सपेंस आ गए 5,400। क्या समझ नहीं कितने मंथ की पेमेंट है, ठीक है, और कब तक के लिए, मार्च तक के लिए। ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, पेमेंट हमने कब तक की है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की एक्स्ट्रा हो गई, तो ये प्री पेमेंट हो गई एडवांस। अब प्री पेमेंट की एंट्री क्या होती है, प्री पेमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, तो एक्सपेंस पे क्या इफेक्ट आया, डिक्रीज हो गए, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक। अब पहले कैलकुलेट करें, उसके लिए आप क्या करेंगे, 6,750 को मल्टीप्लाई करें 3 डिवाइड बाय 15 होगा, क्योंकि 15 मंथ की पेमेंट,
तो 3 मंथ्स के प्रीपेड आ जाएंगे 1350, वो इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, तो आपके पास करंट ईयर के एक्सपेंसेस आ जाएंगे 5400। ये इसकी एडजस्टमेंट हो गई प्री पेमेंट। नेक्स्ट बैंक चार्जेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख लेते हैं। ये तो हमारे ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस थे, अब आ जाए एडजस्टमेंट्स पे। अब यहाँ देखें आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, शॉप फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीमिसेस, ये बैड डेट्स का बता रहा है आपको, तब ये रिकॉर्ड कर रहे थे। डेप्रिसिएशन एज इट इज आ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। और ये फर्नीचर का आ गया, इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीमिसेस 2800, के बाद बैड डेट्स है। अच्छा बैड डेट्स में क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ 2250 इज इररिकवरेबल एंड इज टू बी रिटन ऑफ, ठीक। इसके बाद एंड द रिसीवेबल अलाउंस इज टू बी इंक्रीज टू 2% ऑफ द ईयर एंड रिसीवेबल फिगर। अब बैड डेट्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे, कंप्लीट हुई कैलकुलेशन होगी। ओके पॉइंट नंबर कौन सा था, 5 ना, ये था आपका एडवर्टाइजमेंट है। ओट कितने कर रहे हैं, ओ कर रहे हैं 4540। एंट्री क्या बनेगी, पॉइंट नंबर 5 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट होंगे और एक्रूवल्स क्रेडिट हो जाएंगे। ये तो एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री हो गई, एक्सपेंस डेबिट, एक्रूवल्स क्रेडिट। इसके बाद हमने प्री पेमेंट्स रिकॉर्ड की थी ना, लोकल टैक्स पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, लोकल टैक्सेस हैं फॉर 15 मंथ्स टू 31st मार्च, ठीक है। तो इसमें से जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स की प्री पेमेंट है। अब 3 मंथ्स के प्रीपेड कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे प्री पेमेंट्स। टोटल अमाउंट कितना था, 6750, 6750 इंटू 3, कितना आ गया था 1350। एंट्री क्या हो जाएगी, आप प्रीपेड प्रीपेमेंट्स प्रीपेड डेबिट हो जाएंगे आपके, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस को कर देते हैं टैक्स एक्सपेंस साइड हो जाएंगे, कि इसकी एंट्री हो जाएगी 1350 3350। प्रीपेमेंट्स की एंट्री हो गई, प्रीपेमेंट्स डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा बैड डेट्स की कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ रिसीवेबल्स कितने हैं हमारे, अकाउंट रिसीवेबल हैं 2,40,750, अकाउंट रिसीवेबल 2,40,750। अब इसमें से ये राइट ऑफ कितने किए इसने, 2,250, ये राइट ऑफ हो गए, माइनस करेंगे 2,250, तो ये माइनस करें 2,3850, 2,3850, ठीक। अब इसके में से अब इसका वो एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करेंगे ना, आप लिखते हैं एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स, डीडी कर दूं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। डीडी डाउटफुल डेट्स कितने, 2% है, ठीक है। इसका 2% निकालें, 23,850 का 2% 4770। इसमें से माइनस करते हैं अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस होता है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ गिवन है आपको 4320 ओपनिंग बैलेंस 4320, डिफरेंस कितना आ रहा है 450। 450 क्या होगा आपका, इंक्रीज इन अलाउंस, इंक्रीज इन अलाउंस, और इंक्रीज इन अलाउंस की डबल एंट्री क्या होगी ये लिख लेते हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन अलाउंस। इसकी एंट्री क्या होती है इंक्रीज इन अलाउंस की, रिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा 450 से डेबिट और 450 से क्रेडिट। बताएं बैड डेट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, देखिए ये हमने राइट ऑफ किए थे 2,250 और ये 450 यहाँ डेबिट हो रहे हैं ना, दोनों ऐड हो जाएंगे। टी अकाउंट की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, इररिकवरेबल डेट्स
और इंक्रीज इन अलाउंस में भी इररिकवरेबल डेट्स डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट डेबिट प्लस, तो 2250 प्लस 450 टोटल बन जाएंगे 2700। इस तरह से ये बेटेड एक्सपेंस आ जाएंगे हमारे 2700। ठीक है, अच्छा इसके बाद और कौन से एक्सपेंसेस हैं? एक्सपेंस कंप्लीट हो गए, ठीक है टोटल कर लेते हैं। ये टोटल एक्सपेंस आ गया 1,05,040 के। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक, और ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? नॉन करेंट एसेट्स, एसेट्स और एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, यहाँ नॉन करेंट एसेट्स तो दिए हुए हैं, अच्छा नॉन करेंट एसेट में क्या फर्नीचर की कॉस्ट है 9,000, ठीक है जी लिख लेते हैं फर्नीचर आ गया 9,000। अच्छा आपको याद होगा बैड डेट्स एप्रिसिएशन एक्रूअल्स प्री पेमेंट, उससे हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाए, अब वो यहाँ पे यूज होंगे। अब इसमें हमें क्या लिखते थे, फर्नीचर आ गया कॉस्ट आ गई, इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू आएगी। अब इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा, यहाँ देखिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 450, इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एड कर लेंगे उसका क्लोजिंग आ जाएगा ना। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है 450, ओपनिंग बैलेंस 450 था, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 450, तो इसका क्लोजिंग हो जाएगा 900। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 900 माइनस करेंगे ये नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 8,100। अच्छा नेट बुक वैल्यू हम इसके बराबर में लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन स्पेस कम थी तो मैंने एक ही लाइन में लिख दी। नेक्स्ट है हमारे पास एसेट कौन था, प्रीमिसेस एट कॉस्ट 56,000 प्रीमिसेस आ गई, इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 2,800, इसमें ऐड करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 2,800, टोटल हो जाएगा 5,600। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 5,600 लेस करते हैं और नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 50,400। अच्छा इसके बाद अच्छा दो ही नॉन करंट एसेट है, अब लिखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, इन्वेंटरी अकाउंट रिसीवेबल कैश इन हैंड कैश इन बैंक और प्रीपेड भी आ जाएगा ना, हाँ प्रीपेड आएगा, एक्रूड तो लायबिलिटी होगी, तो इन्वेंटरी रिसीवेबल्स कैश बैंक और प्रीपेमेंट्स। ठीक तो इन्वेंटरी यहाँ दो दी हुई है, 1 जनवरी ओपनिंग इन्वेंटरी ट्रायल बैलेंस में और ये एडजस्टमेंट्स में आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है 135,000। कौन सी लिखेंगे, हाँ बैलेंस शीट में हम लेते हैं क्लोजिंग क्योंकि बैलेंस शीट बनती है एंड पे, अरे लिख लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी 1,35,000। अब हम लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल, मतलब रिसीवेबल कितने हमारे जो ट्रायल बैलेंस पे थे 2 लाख, बल्कि इसकी मैं वर्किंग दिखाता हूँ, ये बताएं अकाउंट रिसीवेबल कितने रिकॉर्ड होंगे 2,40,750 या 2,38,500। तो ये टोटल रिसीवेबल थे, ये हमने राइट ऑफ कर दिए, तो रिसीवेबल कितना रह गया 2,38,500। क्रेडिट माइनस हो जाते हैं ना, रिसीवेबल आएंगे 2,38,500 और इसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्या वैल्यू माइनस होगी, अलाउंस फॉर रिसीवेबल जब हमने बैड डेट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, सो मैंने बताया था कि
बैलेंस शीट से हम माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, और मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स के इक्वल आता है, तो आपको अलाउंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार बना के दिखा देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो इसको वहां से माइनस करेंगे 4770। तो दो टी अकाउंट बना लेते हैं समझने के लिए, ये आपको एक रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद और ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स के इक्वल आता है। तो आपको क्वेश्चन है कि अलाउंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं ये अकाउंट बना रहा हूँ, एक रिविजन हो जाएगा। क्योंकि दो अकाउंट बनाते हैं, रिकवर रिकवरेबल डेट, और एक बन जाएगा अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अच्छा, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं पहले, 4320। इसके बाद ही हमने बैड डेट्स राइट ऑफ किए थे ना, 2250। तो इसकी एंट्री होती है इरिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल अकाउंट हम फिलहाल नहीं बना रहे। तो ये इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री बनाई थी हमने, रिकवरेबल डेट्स डेबिट हो गए 450, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट 450। अकाउंट क्लोज करते हैं। ये रिकवरेबल डेट्स क्लोज कर देते हैं, ये कितना बनता, 2700। तो ये 2700 चार्ज हो जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। उसके बाद ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, जिसका टोटल आएगा 4770, 4770, और ये बन जाएगा इसका कैरी डाउन 4770। ठीक है, अब बैलेंस शीट में रिसीवेबल से माइनस क्या होंगे, 4770, और ये देख लें ये एस्टिमेटेड के इक्वल आ रहे हैं। और ये पॉइंट याद रखिएगा, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स के इक्वल है। तो यहां से अब हम माइनस करेंगे 4770, और नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 2,33,730। ठीक, इसके बाद हमारा कैश इन हैंड 120, कैश एट बैंक 18,300, कैश इन हैंड। अच्छा, ये बल्कि प्री पेमेंट्स भी रह गए, पहले मैंने प्री पेमेंट्स है। यहाँ हमने देखिए, ये जो लोकल टैक्सेस थे तो 3 मंथ्स के प्रीपेड थे, प्रीपेड हमने कैलकुलेट किए थे कितने, 1350। तो ये प्रीपेड हमारे क्या है, ये भी एसेट है। ठीक है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे प्री पेमेंट्स 1350। के बाद फिर कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक है, ठीक थोड़ा आउट हो गया, कैश एट बैंक कितना है 18,300, और उसके बाद कैश इन हैंड 120। ये करंट एसेट्स कंप्लीट हो गए, करंट और नॉन करंट को ऐड कर लेंगे, तो टोटल एसेट्स आ गया हमारे पास 4,47,000। ठीक, ये एसेट्स कंप्लीट, पहले ये कॉपी कर लें। इक्विटी, इक्विटी में क्या आएगा, कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल कितना है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल 1,20,000, और कैपिटल आ गया। प्रॉफिट ऐड करेंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना था, इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट आ गया 3,960, और इसमें से ड्राइंग्स माइनस होंगी, तो ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स गिवन नहीं है, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। अभी हमारे पास ओनर्स इक्विटी 1,53,960। अच्छा, इसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में पहले हम लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज आती हैं। तो इसमें क्वेश्चन में फिलहाल नॉन करंट लाइबिलिटी लोन होता है, लोन नहीं दिया हुआ ना, कोई नहीं है, करंट लाइबिलिटीज लिखे आप। करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, केबल्स फॉर सप्लाई 2,92,500, पेबल्स आ गए,
बाद हाँ इसमें देखिए पॉइंट नंबर 5 ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एक्रूड है ना, एक्रूअल्स, तो ये भी लायबिलिटी हमारी टोटल कर लेते हैं। अब इक्विटी और लायबिलिटीज को ऐड कर लेंगे, टोटल आ जाएगा 4,47,000 और इसके साथ ये बैलेंस शीट कंप्लीट।